लाइन को ओपन करता हूँ। मोबिन अंसारी जी, वेलकम सर, वेलकम। नमस्कार, आदाब सर। मैं मोबिन अंसारी फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र। सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही सर, क्वेश्चन कीजिए। सर, क्वेश्चन ये है कि ये जो फार्मिंग का ड्यूरेशन है, ये सर इसका कोई टाइमिंग अभी निकल के आया है क्या कि कब से स्टार्ट हो गए है फार्मिंग की? अभी भी कभी भी किया जा सकता है? सर अभी नहीं, अभी आपको पीडीएफ आएगी तो मुझे लगता है 20 तारीख से फार्मिंग शुरू हो जाएगी। अभी पक्का कन्फर्म नहीं है, जैसे पीडीएफ आएगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है सर। दूसरी बात सर ये था कि ये इसके लिए जो $30, मान लीजिए $30 से फार्मिंग करते हैं, तो वो $30 हमको, जैसे मान लीजिए हमारे अगर वॉलेट में है टॉलविन का, तो उससे काम चल जाएगा या किसी अदर एक्सचेंजेस को जो है अपने वॉलेट में ट्रांसफर करके पहले से जो है कि बना के रखना पड़ेगा? नहीं सर, फार्मिंग, जो फार्मिंग के लिए आपका जो मेन आपके पी टू पी वॉलेट में होगा ना सर जी, उससे ही फार्मिंग कर पाएंगे सर आप। मान लीजिए हमारे वॉलेट में अगर पहले से कुछ बैलेंस नहीं है, तो किसी एक्सचेंज से मतलब डॉलर बाय कर यहाँ पे रख सकते हैं ना? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था ये सर कि मान लीजिए कि मैंने फार्मिंग कर लिया 20 तारीख या 22 तारीख को, जो भी डेट आता है, तो 20-22 को कर लिए, तो फिर ये जो अपना 100 टोकन अपन बाय करने का जो है कि ये हो गए, हकदार हो गए, तो सर वो क्या जो है उसमें कुछ पीरियड ड्यूरेशन रहेगा कि भाई मान लीजिए अभी उसका ये तो मालूम नहीं है कि टोकन की कीमत क्या रहेगी, $1 रहेगी, $2 रहेगी, $5 रहेगा, क्या रहेगा, तो वो डिसीजन लेने के लिए टाइम हमको मिलेगा ना सर कि मतलब जो है कि हम पर्याप्त मात्रा में? सुन लीजिए आप, सर सुन लीजिए, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, आप अभी शायद आए सर। पहले आपको फार्मिंग कराया जाएगा सभी को, उसके बाद कोई आएगा, तो आप जब जिस दिन कोई आएगा तब उसके बाद कोई खरीदना, ठीक है सर। अभी फार्मिंग का पहला फेज जो है फार्मिंग का चलेगा, उसके बाद कोई ना आएगा। हाँ, मैं मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो अपन बाय करने के लिए टोकन अपना मिलेगा टॉलविन का, तो ये इसकी प्राइस का तो अभी कोई मालूमात है? नहीं सर, नहीं सर, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं, अभी वो समय पता चलेगा, तो आने दीजिए टाइम सर। आप पहले फार्मिंग की तैयारी कीजिए, अपने अकाउंट में डेबिट ऑर्डर रखिए सर। हाँ, तो फार्मिंग तो 20 तारीख के बाद होगा ना सर? सर पता चल जाएगा, एक आप एक बात को बार बार पूछेंगे तो सर बहुत टाइम हो जाता है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन को बार बार मत पूछो सर, क्योंकि औरों को भी क्वेश्चन लेने हैं, तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा ऋषि के शर्मा जी का हैंड राइज है, तो मैं उनका माइक ओपन किया है। वेलकम सर, वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते जी सर, नमस्ते। मेरा बस एक ही क्वेश्चन है सर, कॉइन खरीदेंगे कहाँ से? सर पेन के स्वैप पे। हाँ सर, पेन के स्वैप। समझा नहीं सर मैं। सर एक्सचेंज है, पेन के स्वैप, वहां पे आप स्वैप करेंगे, ठीक है। मैं इसके लिए बुलाना चाहूंगा, चलो मैं संजू सर को बुलाना चाहता हूँ। संजू सर आइए सर, थोड़ा सा समझाइए सर को। वेलकम वेलकम बिंदु सर, वेलकम। हाँ सर, जो भी कॉइन आ रहा है आपको ट्रस्ट वॉलेट पे ही लेंगे, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट पे जा तो पैन के एक्सवैप तो एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए टॉलविन की मुझे लगता है एक ट्रस्ट वॉलेट के साथ अटैच एक साइट आएगी, उस पर आप जाकर आपको आपके पास मान लीजिए आपके पास $30 की फार्मिंग की हुई है, वहां पर शो करेगी आपने 30 से की हुई है और यू आर एलिजिबल फॉर $100, ठीक है। $100 का तो आप बाय कर सकते हो, आपने क्लिक करना है, $100 डालना, वहां पर क्लिक करोगे तो वो स्टैकिंग पे लग जाएंगे। उसके बाद अगर आपने $60 की फार्मिंग की हुई है तो आपको $300 वाला भी कॉलम शो करेगा, जो मुझे लगता है भी ऐसा हो सकता है, और जैसे ही क्लिक करोगे आपकी मर्जी है, मिनिमम आप $10 से लेकर 300 तक कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जो भी आपको कैटेगरी आएगी। आप ऐसा नहीं है भी जो 300 वाला तो
300 ही लेना पड़ेगा, कम का भी ले सकते हो आप। और एक चीज और जैसे ही कॉइन आएगा, अगर मान लो उसका रेट $1 to $5 के बीच में होगा, तो उसका रेट पहले दिन से बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्राउड आना शुरू होगा। जैसे ही क्राउड आता जाएगा, उसका रेट इंक्रीज होता जाएगा। ये भी चीज याद रखें, ये ना है कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा होगा, स्टार्टिंग में कम होगा और एकदम हाइक करेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि क्राउड एक नहीं बहुत से लोग करने वाले। दोस्तों 50 लाख बंदा है जो इसकी तैयारी कर रहा है, और मैं भी मेरे जैसे लोग हैं जो 5 IDP करेंगे, ठीक है, क्योंकि सभी ब्लूज फायर के लगभग हैं। और तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 100 IDP ब्लूज फायर किया हुआ है, तो वो भी करेंगे। तो आप सोचिए, फिर आप इस मौके को ना छोड़िए। और जो क्वेश्चन है आपका, मुझे लगता क्लियर हो गया होगा। पैनकेक्स स्वैप तो एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, USDT को जो हमारा कॉइन आ रहा है उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, बाय कर सकते हो। और जो हमारी एक स्पेशल, मुझे लगता है एक साइट आएगी जो ट्रस्ट वॉलेट के साथ अटैच होगी, जब अपने मेटा के साथ होगी, तो उसके साथ आप अटैच करके सब कुछ कर सकते हो। वो लिंक भी आपको दिया जाएगा, और मुझे लगता है जैसे लिंक आएंगे वो आपने जस्ट कॉपी करके पेस्ट करना है, और ऐसे ही कुछ होगा। समझ आया सर आपको? आपको पूरी जानकारी इस मंच के द्वारा दी जाएगी, ठीक है सर। और सबसे पहले जो भी मैं सभी से बोलता हूँ, जो भी लीडर आए, कोई भी क्वेश्चन हो, तो अपना नाम, अपने प्लान का नाम, आप की टीम कितनी है और आप किस लेवल पे, इतना जरूर बताइए, जिससे कि यहाँ बैठे लोगों को पता चल सके क्या बंदा कहाँ से है, किस जगह से है, और उसकी टीम कितनी है, कब उन्होंने ज्वाइन किया, थोड़ा सा इतना बता दीजिए, तो उससे थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो प्यारे लाल मौर्य जी का हैंड राइज है, मैंने उनका माइक अनम्यूट कर दिया। प्यारे लाल मौर्य जी, वेलकम सर, वेलकम। प्यारे लाल मौर्य जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आइए सर। चलिए, शायद सर गलती से हैंडराइज हो गया था। अजय कुमार पासवान जी, आपका माइक अनम्यूट कर दिया गया, आइए सर। जी सर, बहुत खुशी हो रही कि आज पहला दिन मुझे मौका मिला इतने बड़े मंच से बोलने का। सच में मैं काफी एक्साइटेड हूँ। थोड़ा मैं लीडर नहीं हूँ, मैं एक थोड़ा सा एक लर्नर के रूप में हूँ, और यही उम्मीद रखता हूँ कि डेली आप लोगों के साथ ज्वाइन होकर कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। सर सवाल है, थोड़े थोड़े जो भी सवाल है मुझे, मेरे ख्याल से मुझे मिल ही रहा है आपके मंच के द्वारा आंसर। एक सवाल है मेरे मन में कि जब मैं नए अभी कोई ओपल से मेरे डाउनलाइन में आ रहा, उसका फार्मिंग भी साथ ही साथ हो जाएगा, तो उसको भी अलग से फार्मिंग करना पड़ेगा? सर मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर जब फार्मिंग शुरू होती है, जब से आप उनका अकाउंट लगाएंगे, तो 30 डॉलर से अकाउंट लगाएंगे, तो उनका ऑटोमेटिक फार्मिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आप, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए सर, लेकिन अगर आप फार्मिंग से पहले उनकी आईडी लगाते हैं, तो उन्हें दोबारा से फार्मिंग करनी पड़ेगी। इसलिए मैं तो इस मंच से केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, और आपकी मर्जी है, मुझे लगता है 20 तारीख से फार्मिंग शुरू हो जाएगी, तो जो भी आईडी आपको लगानी है वो 20 तारीख से ही लगाएं, उससे पहले ना लगाएं, क्योंकि दो बार पैसा खर्च कराना, मैं तो इस बात के लिए एग्री नहीं हूँ। मेरी तो सोच ये है, और मेरे अपलायन की सोच ये है, और मेरी सारी टीम की सोच यही है कि हम जिसको भी सिस्टम में लाते हैं, अगर आगे है उनके नहीं, लेकिन जो अब आने वाले हैं, जिनको हम जोड़ने वाले हैं, तो उन्हें आप वेट कीजिए, जैसे हमारी PDF आएगी और जो डेट आएगी फार्मिंग की, तो उस दिन से हम अकाउंट लगाने शुरू करेंगे, तो उससे उनका बेनिफिट क्या होगा, उनका अकाउंट भी हो जाएगा और साथ के साथ फार्मिंग का भी
उनका स्टार्ट हो जाएगा, तो आप सर वेट कीजिए फार्मिंग की, तभी उनका अकाउंट लगाइए सर, ठीक है जी। सर एक छोटा सा सवाल और रखना चाह रहे हैं, अगर आपकी अनुमति मिले तो मैं रखूंगा सर। कोई नहीं, रखो सर रखो। सर मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे टॉलबिन फैमिली अभी पूरे फेमस हो गया वर्ल्ड में, कोई जगह तो मतलब हर जगह अगर टॉलबिन नजर आया। मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि मैं कहीं भी जाऊँ, किसी अदर स्टेट में जाऊँ, तो जैसे अभी हिंदी और इंग्लिश में जो बिजनेस प्लान का जो पीडीएफ हमें अवेलेबल है, हम चाहते हैं कि रीजनल लैंग्वेज सब में, जैसे पंजाबी बंगाली सभी लैंग्वेज में हमारे टॉलबिन। आपको किस लैंग्वेज में चाहिए सर? फिलहाल मुझे पंजाबी लैंग्वेज में चाहिए, एक्चुअली मैं इस वक्त पंजाब में हूँ, कुछ लोग इंटरेस्टेड है वो हिंदी भी नहीं समझ पा रहे हैं। सर पंजाबी में तो नहीं है मुझे लगता है, मैं पता करूंगा, जैसे और लैंग्वेजों में है प्लान हमारा, तो मैं पता करता हूँ, पंजाबी में होगा तो आपको जरूर हम उसको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है सर। दरअसल ऐसा है ना सर, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आगे वाले बंदे ना तो इंग्लिश में समझ पाते हैं ना तो हिंदी में नहीं समझ पाते, वो अपने रीजनल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं। सर समझ गया मैं आपको, ठीक है आपकी बात पे मैं बात रखूंगा, तो जैसे होगा तो आपको अवेलेबल हो जाए, ओके सर। जी जी धन्यवाद सर। ये थे मेरे अजय कुमार पासवान जी, तो मैं हर बंदे से बोलता हूँ लेकिन क्वेश्चन रख देते हैं लेकिन अपना इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा राजू जी है, वेलकम सर। वेलकम राजू जी, स्वागत है आपका। राजू सर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर को थोड़ा रोकना चाहूंगा, तो हमारे बहुत ही गिरे लीडर मंच पर आए हैं, तो हमें कुछ जानकारी शायद उनके द्वारा मिलेगी। जितने भी माइक ओपन है सभी अपने लीडर का स्वागत करेंगे, क्योंकि हम सभी के अपलाइन है वो, तो वेलकम तुषार सर। वेलकम जी, वेलकम सर, वेलकम जी, वेलकम सर, आइए सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू विकास मलिक सर, जस्ट अभी मैं आया हूँ, तो थोड़ी सी जानकारी है जो भी है मुझे, और हो सकता है जो न्यू आईडी के लिए अभी जो फार्मिंग स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि मतलब जहाँ तक ऊपर से अपडेट मिली है हम सारे लोगों को, वो ये मिली है कि मतलब जो न्यू आईडी आएगी तो उसको फार्मिंग मतलब फ्री रहेगा उसका, और जो पुरानी आईडियाँ हैं उनका मतलब फार्मिंग उनको लेना पड़ेगा $30 से, और वो हो सकता है 20 तारीख तक उसकी स्टार्टिंग हो जाए, और ये आज या कल तक ये हो सकता है न्यू आईडी के लिए मतलब लाइव कर दे सिस्टम, ठीक है। और दो तीन चीज़ें और हैं, आप सारे लोग को पता ही होगा कि 1.0 और 2.0 की रिसाइकल इनकम बंद हो चुकी है, बंद हो जाएगी, और 31 आईडियों की जगह पे 62 आईडी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, और क्लब इनकम भी आपको मतलब वो बंद हो जाएगी, और 25% डायरेक्ट मिलेगा अगर कोई भी स्पॉन्सर कर रहा है तो। और इसमें जो रिवार्ड इनकम है जैसे 1000 वाला था, तो उसमें हो सकता है कि मतलब छोटा पैकेज आ जाए, जैसे हम ओपाल स्टार करते हैं, जसपर स्टार करते हैं, ठीक है। और विड्रॉ ये क्या नाम है बूस्टिंग का, जितनी भी आप अर्निंग करेंगे, जैसे जो बड़े बड़े लीडर थे कि मतलब $2,000-5,000 की इनकम करते थे, तो वहां से ऐसा होगा कि मतलब 10% या कुछ उनकी इनकम से कटिंग किया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ वो बूस्टिंग लगा सकते हैं। और जो भी अभी मतलब जो अभी सिस्टम लॉन्च करने वाला है या मतलब लाइव करने वाला है, तो जो अभी हम तक विड्रॉल लेते थे बूस्टर का, जो हमें $50 आता था, तो एक आईडी हमारी बूस्टर में लग जाती थी, और प्लस क्या नाम है $15 से एक हमारी बूस्टिंग लग जाती थी, और $35 हमें विड्रॉल आ जाता था, तो जो भी हमारा मतलब डिडिक्ट होके आता था वो माइनेंस पे आ जाता था। लेकिन अब जो भी बंदा P2P भी करेगा उसकी एक आईडी जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिक, उसको 35 ही P2P के माध्यम से मिलेगा, और इसका जो कॉइन रहेगा क्रिप्टो का वो टी लाइफ कॉइन के नाम से रहेगा,
और इसकी जो सप्लाई है वो पूरी लगभग लगभग 2 करोड़ 10 लाख तक है टोटल। बहुत कमी है और इसकी सप्लाई कम होने की वजह से इसकी चांसेस ये है कि बहुत हाई रेट भी जा सकता है, क्योंकि बड़े बड़े लीडर ये भी बता रहे हैं कि कुछ दिनों में ये बिटकॉइन को भी पीछे कर सकता है, क्योंकि सारा का सारा खेल होता है कम्युनिटी। और आज की डेट में तो हमारे हिसाब से लग रहा है कि टालविन से बेस्ट कम्युनिटी कहीं भी नहीं है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ मैं। तो संभवता यह है कि मतलब बेहतर, बहुत बेहतर होने वाला है। और जो भी बंदा मतलब $30 से जो फार्मिंग करेगा उसको $100 से ही कॉइन परचेज वो कर सकता है, जो स्टेकिंग में कर सकता है। और 2.0 के मतलब वहां पे आपकी 2 ID भी जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिक, और ओपाल वाली। और 2.0 में अगर हम $60 से पैकेज करते हैं तो वहां से लगभग लगभग हम $300 तक हम बाई कर सकते हैं, वहां पे $300 से हम कॉइन परचेज कर सकते हैं, मतलब होल्ड कर सकते हैं, अपनी जो भी स्टेकिंग रहेगी वो लगा सकते हैं। और 2.0 में आपकी 2 ID जनरेट हो जाएगी, और जो स्टेकिंग पर डे की ROI होगी वो $30 का मतलब जो भी रहेगा 0.60, मतलब थोड़ा हिंदी में बोल देता हूँ तो, क्योंकि भाई इंग्लिश आती नहीं है, और लगभग लगभग के आधा परसेंट से ज़्यादा आपको पर डे की ROI आएगी जितनी भी स्टेकिंग आप लगाएंगे। उसके बदले आपको शायद कॉइन ही मिले, और कॉइन को आप उसको शायद सिस्टम किस हिसाब से करता है उसको आप विड्रॉल भी कर सकते हैं, जो लेवल इनकम आएगी। और $60 से जो स्टेकिंग करेगा 2.0 वाला, उसको 400 दिन तक आसपास लगभग लगभग 0.70, मतलब आधा परसेंट से भी ज़्यादा, मतलब वहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 70, तो ये ROI हमें हम सारे लोगों को मिलने वाली है। और 60% लेवल इनकम में बटेगा, और फर्स्ट लेवल से 20% आपको आएगा, जो भी पर डे की ROI आएगी जिस बंदे की, वहां से आपको आने वाली है। और एक दो चीज और खुशखबरी है थोड़ी सी, क्योंकि मतलब इसकी कॉइन की रेट तो हाई होने वाली ही है, तो जो भी बंदे मतलब अलेक्जेंडर और ब्लू सफार और टोपास किए थे, ठीक है, उनको सिस्टम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कॉइन गिफ्ट के तौर में देगा, जिससे वो फार्मिंग कर सकते हैं। और इसकी जो मतलब लॉन्चिंग जो है वो मेरे हिसाब से जून में होगी शायद, और ये दुबई में लॉन्चिंग होगी, और इसका दुबई का टूर भी यहाँ पे मिलेगा आप सारे लोगों को, जिससे हमें मतलब अगर एक पेयर में आप 700 मतलब करवा दे रहे हैं, ठीक है, और 700 फार्मिंग आप करवा दे रहे हैं 2 लेग से, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेगी। हो सकता है जो वीज़ा का जो भी लगे वो खर्चा आपको लगेगा, ठीक है, और 350 की फार्मिंग अगर आप करवा दे रहे हैं 2 लेग से, तो आपको फ्लाइट खुद की होगी आपकी, और वहाँ पे खाना रहना पीना वो सिस्टम देगा अपने हिसाब से। तो पूरा का पूरा लगभग लगभग सारी चीज़ें यही है सर, और हो सकता है आज की डेट में लाइव हो जाए ये जो $30 वाला है ना, जिससे मतलब न्यू अकाउंट को जो जनरेट होंगे उनको फार्मिंग मतलब उसी डॉलर से हो जाएगा। तो थैंक यू सर, विकास मलिक सर, और जो भी अपडेट था मतलब मैंने पूरी शेयर किया है लगभग लगभग। सर एक क्वेश्चन है मेरा, अगर किसी ने फार्मिंग करनी है, मान लीजिए हमने फार्मिंग करनी है और हमने कॉइन ज्यादा बाय करनी है, तो एक आईडी पे हम ज्यादा वो कर सकते हैं फार्मिंग? एक आईडी पे आप लगभग लगभग आप सोच सकते हैं कि मतलब एक आईडी पे आप $30 से फार्मिंग करेंगे तो वहां से आप $100 तक आप परचेज कर सकते हैं, स्टेकिंग में कर सकते हैं। और 2.0 वाला ले लेंगे तो आप मतलब 2-3 ID पे आपको करना रहेगा अगर ज्यादा आपको कॉइन परचेज करना है तो। जो पुराने अकाउंट है उधर हमें करना पड़ेगा ऑलरेडी कहीं लिंक पे जाकर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल करनी पड़ेगी सर, जो पुराने बंदे हैं उनको करनी पड़ेगी। PDF सर कब तक आ सकती है? देखो सर जैसे ही आएगा प्रोवाइड किया जाएगा। ओके ओके सर,
थैंक यू सो मच सर। दूसरा सर मैं कृषि यहाँ पे मुझे भी कंफ्यूजन हो गया है क्योंकि हमारी बात हुई थी सर से, मैं बताना चाहूंगा। सर ने बोला था कि आप ई डोनर से फार्मिंग करेंगे और 60 डोनर से फार्मिंग नहीं करेंगे, आप 400 डोनर के कॉइन परचेज कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा लेना है तो आप उसी अकाउंट पे दोबारा से 360 में चल सकते हैं। उसी अकाउंट पे आपको फिर से फार्मिंग करनी पड़ेगी, उसी अकाउंट पे आप 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार, आप जितनी बार चाहे उतने फार्मिंग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। आप समझ लीजिए, ये मान के चलिए आपको 90 डॉलर की फार्मिंग करनी है और आप 400 डॉलर की आप कॉइन वहां पे परचेज कर सकते हैं। फिर अगर आप 90 डॉलर की अगर फार्मिंग आपने परचेज की तो आप फिर से 400 डॉलर की कॉइन वहां पे परचेज कर सकते हैं। ठीक है सर। हाँ जी ठीक है सर, ये कंफ्यूजन दूर हो गया। एक आईडी पे हमने $1,000 के कॉइन बाय कर रहे हैं जी, तो उसके लिए लगभग हमारी मुझे लगता है फार्मिंग होगी 3-4-5 बार करनी पड़ेगी, 4 बार है ना सर? बिल्कुल। इस तरह कर सकते हैं। ठीक है सर, ये चीज क्लियर करनी थी क्योंकि हम ज्यादातर एक ही अकाउंट को आगे लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर बहुत से अकाउंट होंगे ना सर तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम बहुत सारा ट्रैफिक भी होगा जब करना है, तो आपको पता है सर अभी जैसे चीज होगी तो ये अगर एक से स्टार्ट हुआ तो जैसे करना शुरू हो जाएंगे तो इसका रेट भी उसी टाइम बढ़ना शुरू हो जाएगा। सही बात है ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी बोलिए सर। एक सवाल है, जैसे सर अलेक्जेंडर तक बोल रहे हैं सर आप, रुको भैया एक मिनट रुको सर, जैसे कि उसमें $35 और $60, तो सर जैसे कि फार्मिंग कर रहे हैं क्या उन्हें जैसे कि तो हमें कितना पैसे तक मिलेगा इसमें सर, अगर अलेक्जेंडर तक है? आप अलेक्जेंडर और ब्लू सफायर टोपाज नहीं है सर, वो तो ठीक है आपकी बात सर, अगर किसी का अलेक्जेंडर तक है तो सर कितने की फार्मिंग मिलेगी, 30 या पूरा मिलेगा? अब देखो सर, मेरे हिसाब से फार्मिंग आपको परचेज करनी पड़ेगी और सिस्टम आपको गिफ्ट के तौर में देगा सर, आपका 3 राउंड ऑटो पुल नहीं आया है तो। ठीक है सर, ओके ओके सर। जी जी, हम उनका कहना है कि मैं अगर कोई अलेक्जेंडर है तो कितने डॉलर की, सर देखो एलिजिबिलिटी आपकी फार्मिंग की है, आप कितना कॉइन खरीदोगे उसी के बेस पे खरीदोगे, बाकी आप ब्लू सफायर हो कि 2.0 में टोपाज हो वो कोई मैटर नहीं करता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ओके ओके सर। मंगलाल जी आप भी पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ दिल साहब, सर मैं तो ये पूछ रहा था कि जैसे 10 में अपन ने $30 से कर लिया और मतलब 2.0 में ओपल का 60 से कर लिया, तो सर इसका उधर जस्पर का भी काउंटिंग होएगा क्या, मतलब लेवल उधर भी पड़ता मालूम पड़ेगा कि एक ही जगह करते रहो एक ही जगह करते रहो, यू बोल रहा था मैं तो। मतलब आपका क्वेश्चन समझा नहीं मैं, थोड़ा सा आप फिर से एक बार बोलिए। जैसे हाँ 10 में $30 से अपन ने मतलब फार्मिंग कर ली और 2.0 में 60 से कर ली सर, है ना जी? इसके बाद में, हाँ इसके बाद में 2.0 में जस्फर का मतलब नाम ऐसा कुछ आने वाला है कि एक ही जगह करते रहो, यू मेरा मतलब लेवल बाय चलेगा कि? नहीं सुनिए, जैसे आप यहाँ 1.0 में आप $30 से अगर फार्मिंग करेंगे पुरानी आईडी पे, ठीक है, तो आपको दो आईडी जनरेट हो जाएगी आपकी उसी टाइम ओपाल की, ठीक है, यहाँ पे आपकी दो आईडी जनरेट होगी $15 से और जो आपका स्पॉन्सर होगा, ठीक है, उसी हिसाब से लेबल इनकम भी बटेगी, मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ लेबल इनकम रहेगी और कुछ स्पॉन्सर में आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें एकदम क्लियर नहीं है और ये अगर आप $60 से अगर आप कर रहे हैं 2.0 का तो आपको दो आईडी वहां पे जनरेट हो जाएगी आपकी, फिर आप वहां से मतलब $400 तक आपको कॉइन यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, कॉइन का प्राइस कुछ भी हो सकता है तो लॉन्चिंग होने के बाद ही पता चलेगा सर। हाँ और समझते रहेंगे सर, है ना, जैसा भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। मांगीलाल जी मैं बताना चाहूंगा जितना मुझे मालूम है, माइकल कीजिए सर, माइकल कीजिए।
आप 1.0 में करेंगे, ठीक है सर, आपकी तो आईडी लग जाएंगी सर, और आपको पोलियो मिलेगा उन आईडियो पे, ठीक है सर, और उसका इससे कोई मतलब नहीं, जैसा करना नहीं करना, आपको फार्मिंग के लिए कल ओपन करना होगा 1.0 2.0 दोनों, ठीक है सर। ओके सर, ओके, समझ गया समझ गया सर। और इंतजार अली जी का जो क्वेश्चन था कि फ्री कॉइन क्या एलेक्जेंडर वालों को मिलेंगे, तो मुझे जितना पता है जो ब्लिस्पार होंगे शायद उनको मिलेंगे, वो पक्के कन्फर्म नहीं है, जैसे पता चलेगा आपको बताया जाएगा, अभी हम कोई भी यहाँ से ऐसी बात नहीं बोलेंगे जिससे कि बाद में हमें हमारा कुछ हमारे से क्वेश्चन हो कि भाई ये आपने बोला था ये नहीं हो रहा था, इतने हमें पता नहीं चलेगा, इतने हम नहीं बता पाएंगे, आज जितना पता है उतनी जानकारी आप लीजिए और उतनी हम देंगे। तो सर आप इस मंच पर आए और हमें बहुत कुछ हौसला मिला, तो सर आप डेली आइए तो इससे हमें कुछ थोड़ी सी जानकारी मिलती रहेगी। अंकुल कुमार जी, इनका हैंडराइज है, मैं सर को बुलाना चाहूँगा, अंकुल कुमार जी, जी सर वेलकम। हेलो सर जी, मेरा क्वेश्चन है कि ओपल का मेरा, सर पहले आप नेटवर्क में आइए सर जी। हाँ जी बोलिए जी। मेरी आईडी जनवरी में लगी थी, तो मैं ओपल का हूँ, मेरा पहला पुल आ गया सर, तो क्या मैं इस कॉइन में हिस्सा ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो सर, आप भी ले सकते हो और जो अभी तक सिस्टम में नहीं आया वो भी ले सकता है, ठीक है, आपको $30 से। तो मेरा 2.0 में, तो सर मेरा ग्रुप में कुछ नहीं है अभी, नहीं आईडी लगी। कोई बात नहीं सर, आप उसमें 2.0 में भी ले सकते हैं, 1.0 में भी ले सकते हैं, और जो कोई नया भी आएगा, आपका दोस्त आएगा जिसको आप लेकर आएंगे, वो भी कॉइन में आ सकता है। $30 से फार्मिंग करनी होगी उन्हें, यानी उनका अकाउंट भी लग जाएगा और उनमें फार्मिंग का भी मौका मिलेगा जी। 2.0 में $60 से करेंगे तो आपको भी और आपके दोस्त को भी जिसको आप लेकर आएंगे उनको मौका मिलेगा सर, ठीक है सर जी। ओके सर, थैंक यू। तो नेक्स्ट राजू जी हैं, मैंने पहले बुलाया था सर को तो वो आ नहीं पाए थे, राजू बांसोड़े जी, राजू बांसोड़े जी आपका माइक ओपन कर दिया सर, आइए सर। राजू बांसोड़े जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज सर जल्दी आइए। हेलो सर, वेलकम। जय टोलवी लैब सर। जय टोलवी लैब, जय टोलवी लैब सर, मैं 1.0 में दूसरा रैंक है, 2.0 में पहला रैंक है सर, तो फॉर्म खरीद सकता हूँ सर? बिल्कुल सर, अभी वही क्वेश्चन का जवाब दिया, आप खरीद सकते हैं $30 से, आप 1.0 में $60 से 2.0, फिर वो खरीदने को डॉलर अलग से लेना पड़ेगा ना सर? बिल्कुल सर बिल्कुल। पुनः महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, मेरा अपलेन है रेम सर, दिलशान सर से टीम से हो सर। ओके सर, ओके, आपका प्लान बैठे हुए सर, आठ लोग अभी तक, आठ लोग लगाए सर, ज्यादा नहीं लगा सका, नया हूँ अभी तक। कोई नहीं सर, कोई नहीं, आप धीरे धीरे आगे बढ़िए तो आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है सर। अभी फिर आप फार्मिंग और अपनी टीम को फार्मिंग कराइए सर, ठीक है सर। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट योगेश सिसोदिया जी, योगेश सिसोदिया जी, योगेश सिसोदिया जी आपका एंड आइए सर, आइए सर प्लीज जल्दी आइए सर। चलिए सर, वो आवाज नहीं जा पा रही है जी। सर जी वेलकम जी, नमस्कार सर, नमस्कार सर जी, नमस्कार सर, सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है।
सर मैं ये पूछ रहा था कि मेरी टीम में कुछ जो आइडिया लगी हुई है अभी है ना, तो वो अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, तो उनको मान लो अपन जैसे 20 तारीख के बाद जब सिस्टम आ जाएगा तो एक्टिवेट करेंगे तो फार्मिंग हो जाएगी अपने आप। हाँ जी सर, हो जाएगी, हो जाएगी है ना, जाएगी। या फिर से लगाना पड़ेगा सर उनको, अगर एक्टिवेट नहीं हुई है वो जी तो उनकी ऑटोमेटिक फार्मिंग हो जाएगी। अगर आप एक्टिव कर चुके हैं उन्हें तो दोबारा से 30 जोड़ों से आपको करना पड़ेगा सर। जी एक्टिवेट नहीं हुई है सर, वो एक्टिवेट करने वाला था मैं कल। ना मत करो सर, अभी दो दिन जाओ तो उसके बाद कर लेंगे, ठीक है जी सर। जी शायद दिलशाद सर बता रहे हैं तो शायद आज रात को कल शायद लाइव हो जाए, तो शायद कल से ही आईडी लगने लगे, तो आप रुकिए सर, वेट कीजिए, ठीक है जी सर, धन्यवाद सर, ओके सर, जय टोल। जीते योगेश जी, ठीक है, कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज सैनिटाइज कर सकते हैं। कोई ये ना समझे कि भाई थोड़ा सा मैं तो बताना चाहूँगा, कोई भी लीडर ये ना सोचे कि भाई हमारी शेयरिंग ले ली जा रही है, क्योंकि इतने हमारी फार्मिंग चलेगी, इतने हम केवल फार्मिंग के बारे में ही यहाँ पर मीटिंग रखेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्मिंग के बारे में जान सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्मिंग में हिस्सा ले सके और हमारे कॉइन को परचेज कर सके। फिलहाल इसी पर सेशन चलना है, कोई भी लीडर ये ना सोचे कि मुझे नहीं बुलाया, ये मेरी शेयरिंग मिल रही, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ कर अनुरोध करता हूँ, मेरी बात का बुरा ना माने कोई, हमें सीखना है, सिखाना है, और जितने लोगों को हम ज़्यादा सिखा देंगे उससे ही हमारा सिस्टम आगे बढ़ेगा। तो सभी लीडर आइए, सीखिए, अपनी टीम को सिखाइए, इस मंच पर बैठिए और बैठाइए। तो सेशन फिलहाल फार्मिंग का चलेगा, जैसे ही पीडीएफ आ जाएगी तो उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो किसी क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा जितेंद्र गर्ग जी हैं मथुरा से, अगर सर का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज रख सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज रख सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम। नमस्कार सर, नमस्कार सर, मेरी आवाज सर क्लियर आ रही है? जी सर, जी जी जी। इस मंच पर सभी मेरे ग्रेट लीडरों को मेरा प्रणाम। मेरा सर वैसे कोई क्वेश्चन नहीं है, बस एक थोड़ी सी मन में क्वेरी थी। मैं अपने माध्यम से एक बात सिस्टम के साथ पहुंचाना चाहता हूँ। हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, पहली बात तो ये बड़ा खुशी का माहौल है इस समय कि टोलवेल हमको बहुत कुछ देने वाली है और लोगों की सारी इच्छाएं पूरी कर देगा, मुझे पूर्ण विश्वास है और अब तक विश्वास करता आया हूँ और करता रहूंगा। मेरा एक क्वेश्चन है सिस्टम के लिए सर, मेरी बात सिस्टम तक अगर पहुंच जाए तो मुझको बड़ी खुशी होगी कि कुछ लोग इस टीम के अंदर इन्वेस्टर है जिन्होंने अपनी सारी बाइक, मेरी मैं जो बात कह रहा हूँ किसी को बुरा लगे तो मैं पहले से ही माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। कुछ लोगों ने 2250 रुपए में आईडी लगा के अपनी छोड़ दी है। आईडी लगाने छोड़ने के बाद सर पहले तो एक मैं ये पूछना चाहता हूँ, दिलशाद सर है क्या सर मंच पर? सर जो हम फार्मिंग करेंगे इसका जो फार्मिंग का पैसा सारा ऑटोपुल में जाएगा सर? सर वो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे आप फार्मिंग करेंगे सर तो आपकी 2 आईडी लग जाएंगी सर, ठीक है? तो 2 आईडी वही जवाब दे रहा हूँ आपका, जैसे आपकी 2 आईडी लगेंगी तो $7,500 आपके अपलाइन को चला जाएगा, ठीक है, और $7,500 आपकी टीम में बढ़ जाएगा और $15 आपका प्रोटोकॉल में जाएगा सर। थैंक यू सर, मेरा केवल एक ही अनुरोध करना चाहूंगा सिस्टम से कि जिन लोगों ने 2250 रुपए में आईडी लगा के अपनी छोड़ दी है उन्होंने सेकंड रैंक भी अपडेट नहीं किया है। सर 2250 कलवाई नहीं है सर, 2250 नहीं है, 2500 रुपए की आईडी है सर, ऐसा कंफ्यूजन मत करो सर, पूछे की ई जोलॉजी आईडी जिन्होंने लगा के अपनी टोल रूम के अंदर रख दी है, ये सारे ऑटो पूल आ जाएंगे जब हम सेकंड रैंक अपग्रेड करेंगे, ठीक है?
ये सिस्टम को उन्होंने एक तरीके से डोनेट कर दिया कि आ गया तो ठीक है और नहीं आया तो ठीक है। लेकिन मेरा सिस्टम से केवल एक ही अनुरोध है, सिस्टम अगर ऑटो पूल देता है तो अगर जितने ऑटो पूल सिस्टम उसको दे रहा है तो उसके ऑटोमेटिक उसकी सेकंड रैंक अपग्रेड कर दी जाए, उसके बिना पूछे कहे। मैं बस सिस्टम से यही कहना चाहता हूँ, अगर सिस्टम ऑटो पूल दे रहा है उसको जो ऊपर बैठा हुआ है, नीचे राउंड पे बैठा हुआ है, तो उसकी सेकंड रैंक ऑटोमेटिक उसके डॉलर से अपग्रेड हो जाए, जिससे कि सिस्टम में ऑटो पूल का क्रम ना टूटे। क्यों, जैसे सिस्टम ने बूस्टर का किया है 10% बॉलर बनाया है, ऐसे ही सिस्टम इसका अगर इसमें विचार करे तो ये बहुत ही बढ़िया मतलब ऑटो पूल की बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया चालू रहेगी, कि जैसे ही अगर सिस्टम अगर उसको ऑटो पूल दे रहा है और उसके बाद इतने डॉलर हो जाए कि वो सेकंड रैंक अपग्रेड कर सके, तो ऑटोमेटिक उसको उसमें खाते में ट्रांसफर कर दिया, उसकी सेकंड रैंक अपग्रेड कर दी जाए। मैं तो सुनूंगा बस यही कहना चाहूंगा, और वैसे सिस्टम बहुत बढ़िया कर रहा है, लोगों के इससे आंसू पोछेंगे, लोगों घर में दिवाली होगी, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। जय टोलविन, जय टोलविन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे आपने बताया वो सिस्टम के दिमाग में भी होगा, और जो नया आने वाला है अभी पता नहीं है, लेकिन शायद सिस्टम क्या लेकर आए, लेकिन जो सिस्टम लेकर आएगा हमारे भले के लिए लेकर आएगा, और हमें आगे बढ़ने में मदद भी कर रहा है, तो ये सिस्टम का काम है, हम केवल अपना यहाँ शेयरिंग कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे, लेकिन सिस्टम जो भी लेकर आएगा अच्छा ही लेकर आएगा, अच्छा ही करेगा। तो धन्यवाद सर आपका। बच्चा राम जी का एक हैंड राइज है, मैं सर को अनम्यूट करता हूँ। वेलकम सर, वेलकम बच्चा राम जी। बच्चा राम जी आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आइए। सर का कोई क्वेश्चन नहीं है, सर सर बोलिए सर। सर अभी हैंडराइज लेने या सर लीटर से लेंगे? लोग ले लीजिए सर, बहुत सारे लोग हैं, उनके भी क्वेश्चन होंगे। जी जी, तो नगद राठौर जी है, नगद राठौर जी, वेलकम सर, वेलकम। हेलो सर, नमस्कार। हेलो जी सर, जी सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही सर, आ रही है। कोटा राजस्थान से राठौर, और एसटीएम चैंपियन दिनेश शर्मा जी की टीम से हूँ सर। 6-7 महीने 8 महीने में मुझे इस सिस्टम को रन करते हुए वो है, 550 लोगों की टीम है, और डबल ब्लू सफारी और डबल टोपाज रैंक है मेरी। तो सर मेरा एक छोटे दो क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे दुबई में जिस इस कॉइन की लॉन्चिंग हो रही है सर 21 जून या 25 जून जैसे भी हो, तो जैसे ही वहाँ से लॉन्चिंग होगी तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे बाय सेल तो हमारी जो टालबिन की जो कम्युनिटी है वो तो करेगी सही, जो स्टेकिंग करना है, इसको फार्मिंग करना है वो तो करेगी सही, लेकिन उसके बाद जैसे ये लॉन्चिंग होती है तो इसके बाद में इस कॉइन की इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी शुरू होगी बाय सेल के द्वारा, या फिर ओनली अभी टालबिन वालों तक ही सीमित है? सर अभी अभी केवल टॉलवी लाइफ वालों को ही मौका मिलेगा, वो भी तभी मौका मिलेगा जब आप तो जिसकी एक से ज्यादा जो बड़ी रैंक के आइडिया है ब्लू सुपारी की, तो उनको हर आईडी पे अलग अलग स्टेकिंग के फार्मिंग करनी पड़ेगी ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप और आपका ब्लू स्पायर है जी, और आपकी 3 फुट से कम आई है जी, और आपकी फार्मिंग शुरू हुई है उस पर, तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो सिस्टम अपनी तरफ से देगा आपको, तो आपको सभी आईडी पे फार्मिंग करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक सर, मेरे लोकेशन पे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो नेक्स्ट मैं बोलना चाहूंगा
नईम खान जी, नईम खान जी मैं आपका एंड्राइड सर मेरा सवाल ये था, इसमें जैसे आपने जो फार्मिंग का जो सिस्टम चालू हुआ है इसमें टोलिंग, तो $30 से फार्मिंग करने के बाद जो 100 कॉइन है वो क्या रेट से, वो भी अपन को खरीदने पड़ेंगे, तो उसका रेट वेट अभी पता है नहीं इसमें? सर रेट अभी पता ही चला है, जैसे ही रेट आएगा तो वही पता चल जाएगा आपको। आपको पहले फार्मिंग करनी है सर, तो उसके लिए सर अपन को $30 अपन को मेन वॉलेट में रखना है या उसमें विड्रॉल कौन से डॉलर काम में आएंगे सर? सुन लीजिए मेरी, आपको P2P वॉलेट में अपने डॉलर रखने सर, $30 और $60 मतलब अपन खरीद के अलग से रख सकते हैं जैसे अपन आईडी लगाते हैं सर। आपके P2P वॉलेट में होने चाहिए, वो कहीं से भी लाइए आप, आपकी मर्जी है, ठीक है जी। वहां से फंडिंग करेंगे और जैसे सिस्टम बताएगा कि कॉइन हमें टेस्ट होल्डर से खरीदने पांच महीने, तो वहां पे आपको अलग से 100 UIDT और 300 या 400 UIDT वहाँ पे रखने होंगे। तो जितनी भी आपको खरीदने में दिक्कत तो नहीं आएगा सर इसमें, मतलब डाइट और मिल के वहाँ से खरीद सकते हैं मतलब कोई भी? हाँ जी हाँ जी, मतलब अलग से कोई डाउनलोड तो नहीं करनी, जैसे बायनेंस पे जाके बेचना पड़ेगा या कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा? वो तो सर करना ही पड़ेगा सर, वो सिस्टम के बारे में समझाएंगे इसमें ना सर, वो सीख लीजिए आप, आपको वो भी सिखाया जाएगा यहाँ से कि कैसे बैलेंस बनाते हैं, कैसे टेस्ट बनाते, सब सिखाया जाएगा आपको, ठीक है सर? अभी नहीं सर, कॉइन का नहीं आया सर, कॉइन का भी सिर्फ कॉइन के समझ रहे हैं भाई, एक कॉइन कितने का जाएगा कितने का मिलेगा, अभी तक दिमाग में कन्फ्यूजन है, तो सामने वाले को पैसे उस हिसाब से कलेक्ट करके रखवाने पड़ेंगे ना सर। फिलहाल फार्मिंग कीजिए, उसके बाद आपको मौका मिलेगा, ठीक है, उसके बाद आपको बताया जाएगा, ठीक है सर? ओके सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। जैसे ही कोइन आएगा तो हमारी PDF आ जाएगी, उससे पहले PDF आ जाएगी तो आपको जानकारी सभी मिल जाएगी। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा अंजू सनोदिया, अंजू सनोदिया जी का हैंड राइज है, वेलकम जी, वेलकम। हेलो सर, मेरा नाम अंजू सनोदिया है, मैं MP से हूँ जी। मैम जी, और मैंने अभी ID एक्टिवेट करी है, तो मेरे को फिर से फार्मिंग करनी होगी। बिल्कुल मैम, फार्मिंग करनी होगी $30 से। पर अभी 2-3 दिन भी हुए हैं मैंने मैम, वो आपके प्लान की गलती है, सिस्टम को ऐसे भी करना चाहिए ना पुराने लोगों को। मैम पुराने लोग तो हम भी बैठे सर, पुराने लोगों को ऐसे सिस्टम करेंगे नहीं, पुराने लोगों को बस फार्मिंग का मौका देना चाहिए, न्यू जो अभी आईडी एक्टिवेट हुई है उनको तो थोड़ा सा। मैम एक बात बताइए आप, अगर पुराने लोग ही ज्यादातर 40 लाख लोग पुराने हैं सर मैम, तो आपके अपलाइन की गलती है मैम, उन्होंने आपको बताया नहीं, अगर वो 10 दिन रुक जाते तो आपका उसी $30 में आपका सारा काम हो जाता मैम, तो आप ऐसा काम मत कीजिए, तो आप जिसको लेकर आएंगे उनको वेट कीजिए, उनका जब फार्मिंग शुरू होगी तब उनका अकाउंट लगवाइए, ठीक है मैम? धन्यवाद, ओके थैंक यू। तो मैं सभी अप्लाइनों से, सभी लीडरों से अनुरोध करना चाहूँगा, अपनी टीम को गलत रास्ते पर मत ले जाओ, और अपने फायदे के लिए ऐसा कोई काम ना करो जिससे कि आपकी लाइफ लाइन को कोई नुकसान हो और आपको आने वाले समय में कुछ सुनना पड़े। आप वेट कीजिए, सिस्टम जो लेकर आएगा नई अपडेट उसके अनुसार हमें सभी को काम करना है, हम अपने बेनिफिट के लिए कोई लेबर अपग्रेड ना कराएं, कोई नई आईडी ना लगाए, मेरी सोच तो यही है कि नई आईडी ना लगाए, क्योंकि जब कल उनसे आप कहेंगे $30 से आपको फार्मिंग करनी है तो उससे थोड़ी परेशानी हो जाएगी, तो आप 2 दिन वेट कीजिए, मुझे तो लगता है शायद आज कल में ही फार्मिंग शुरू हो जाएगी, आप वेट कीजिए, उसके बाद ही अकाउंट लगाइए, और अपग्रेड भी मत कराइए अभी फिलहाल, आने वाले समय में आप अपग्रेड कराइए जब उसको इनकम होगी। तो नेक्स्ट दीपक शर्मा जी है, मैं उनको वेलकम करता हूँ, दीपक शर्मा जी, वेलकम सर, वेलकम दीपक शर्मा जी, आपका हैंड राइज है सर, आवाज आ रही है सर मेरी? जी 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 आ रही है सर, धन्यवाद सर। सर मैं कहता जैसे जो नए लोग हैं उनका लागू कब से होगा?
सर सभी का लागू एक साथ होगा, नए हो चाहे पुराने हो सर। अच्छा मतलब कि जो नए लोग आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करके अगर अभी एक दो दिन रोक दें तो जैसी फार्मिंग होगी केवल उनको लेवल एक्टिवेट करना होगा बस, मतलब कोपल वाले बस उनकी आईडी एक्टिवेट कर देना तो उनकी फार्मिंग भी हो जाएगी, उनकी आईडी भी लग जाएगी। जी सर, और सर मैं ये कह रहा था ये सर जब ये कह रहे हैं जैसे कि फार्मिंग भी होगी $30 से, उसमें आईडी भी एक्टिवेट होगी दो दो सबकी $30 से, तो वो तो सर उसी में आएगा ना पुल जो नई आईडी एक्टिवेट होगी। सर जो पुराने हैं वो अपने पुरानी आईडी पे जब फार्मिंग करेंगे तो उनकी दो आईडी लगेंगी जी, जो नए बंदे आएंगे उनकी एक आईडी लगेगी, तो उनको जो नए बंदे आएंगे उनको एक एक आईडी पे पुल आएगा, और जो पुराने बंदे हैं जो उनकी दो आईडी एक्टिवेट होगी तो उनके दो पे पुल आएगा। ठीक है सर। तो सर सर जो हमारी ओल्ड है 1.0 है उनके पुल फास्ट कैसे होंगे ये नहीं समझ में आ रहा। पता चल जाएगा जब फार्मिंग कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा सर, होंगे ना मतलब जो ओल्ड वाला है 1.0 ओपन उसमें पुल फास्ट होंगे सर। सर इसलिए तो लोग अभी तक तो हम बैठे थे सर, तो कुछ करना नहीं चाह रहे थे सर, तो सिस्टम ने हमें उठाने की कोशिश की है कि पुल ऐसे ही फास्ट होंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं आप कितनी टीम है सर, लेकिन मलिक सर हाँ जी पुल दीपक शर्मा सर पुल जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है, आपकी जो ओल्ड सबसे पहली आईडी है जिसपे दीपक शर्मा जी की आईडी जो सबसे पुरानी है वो तो सर टाइम में बहुत पहले है ना, जो नई आईडी आएगी वो बाई प्रोसेस दो की मैट्रिक जब पूरी होगी तभी तो भरेगी, उसके पहले तो दीपक शर्मा जी की ओल्ड वाली भरेगी ना सर। सर मैं वही पूछ रहा था जैसे जब $30 से एक्टिवेट वो करते हैं फार्मिंग करते हैं तो उनका कौन सा हिस्सा जाएगा जो ओल्ड वालों का जो 1.0 है उनका फास्ट कैसे होगा, क्योंकि अभी जैसे सर वही तो बता रहे हैं भाई साहब, एक बात समझिए जी, हमारे यहाँ एक सामाजिक व्यवस्था है, मैक्सिमम चांसेस हमने देखा है हमारे यहाँ एक मैक्सिमम व्यवस्था है कि सबसे पहले किसी पिता के चार बच्चे हैं तो सबसे पहले बड़े वाले की शादी होती है कि सबसे पहले छोटे वाले की हो जाती। नहीं सर ये तो खैर अलग चीज है, ये तो सर अलग चीज नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे, मैं वही चीज समझा रहा हूँ, टाइम जो हमारा पूल आता है सर शर्मा जी, जो हमारा ऑटो पूल आता है सर उसका आने का बेस क्या है ये बताइए, वो टाइम पे डिपेंड करता है या जो जब आता है तभी उसको आ जाता है। नहीं जैसे अभी ये कहा गया था ना 25 जनवरी 2023 में जब हुआ था कि पूल फास्ट आएंगे, लेकिन वो 2.0 में हुए, वो 2.0 में एक्टिवेट कर रहे थे तो 2.0 में हुए, जो ओल्ड वाले हैं 1.0 को कैसे आएगा फास्ट। 1.0 में भी तो फार्मिंग हो रही है ना सर, वो $15 पूर में बट रहा है ना सर, आपको दो जो न्यू आईडी एक्टिवेट करके सिस्टम दे रहा है जिसमें आपको $1534.5 आएगा, तो वो $15 जाएगा कहाँ सर, पूल में ही तो जाएगा ना, तो पूल ही के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, जब पैसा जाएगा पूल में बटेगा तो आएगा नहीं आपको। तो जो नई वाली हमारी आईडी एक्टिवेट हो रही है वो नई वाली का जब समय आएगा सर, जब नई वाले का समय आएगा तो उसमें भी भरेगा, तो अभी अभी ये ओल्ड वाले भरोगे सर, ओल्ड वाले और नए वाले सब में भरेगा, लेकिन टाइम प्रोसेस को समझिए सर, आपसे 10 महीने पहले सर, आपसे 10 महीने अप्रैल में मार्च में 2022 में जो लोग आए थे उनका आपसे पहले भर गया ना 10 का 10 का पूल। नहीं अभी जैसे जो समस्या है 4-4, 5-5 महीने मारे हैं तो वो फास्ट हो जाएंगे सर, मैं तो एक पूछ रहा हूँ सर, वही तो बोल रहे हैं हाँ हो जाएंगे, अब आप उसमें आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, आप अपना ही सुनाना चाह रहे हैं, तो आपके पास कोई सलूशन हो सर वो दे दीजिए कैसे फास्ट होंगे। नहीं नहीं ये तो सर समझ गया मैं, सर आपके पास सलूशन हो तो आप दे दीजिए सर प्लीज, पूरे मंच पे लोग बैठे हैं कम से कम आपका सलूशन समझ रहे हैं। दीपक सर आप मुझे बताइए आपकी आईडी कब लगी थी, आपकी आईडी कब लगी थी सर। दीपक सर माइक ओपन कीजिए बताइए सर। 2022 में जून में लगी थी सर। अच्छा सर आपकी टीम कितनी बड़ी है सर। 250। अच्छा आपका लेवल क्या है सर। अलेक्जेंडर। चलो आपने ब्रूस बार को नहीं किया सर अब तक। मैं एक्टिव नहीं था सर शुरू में, मैं उस समय मैं एक्टिव था, मैं तो बहुत देर में एक्टिव हुआ। एक साल तक जब आप एक्टिव नहीं थे सर और आप ऑटो कॉल की यहाँ पे वो कर रहे हैं,
आप तो एक तरह से सर मेरी बात सुनिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब आपके जवाब आपके द्वारा ही दिलाऊंगा सर। आपकी 250 की टीम है और जून में यहाँ पे बंदे बैठे हैं जिनकी 10,000 की 20,000 की टीम है, बिल्कुल भी आ रहे हैं सर। तो आपने तो एक सिस्टम पर बोझ बना दिया सर। नहीं तो मेरे कहने का मतलब है कि जो हम जैसे सर आप इतने क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ 600 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है ना सर। एक ही था सर, एक ही क्वेश्चन है सर, तो एक ही क्वेश्चन को आपने इतना लंबा कर दिया सर। आपको जो बताया गया विकास सर आपके पास कोई सोल्यूशन है पूरे मंच को दे दीजिए। दीपक जी आपके पास कोई सोल्यूशन है? एक मिनट सोल्यूशन मांग लीजिए सर। दीपक जी आपके पास कोई सोल्यूशन है? नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था इसका ओल्ड में भी जाएगा क्या 1.0 में? भाई साहब पूल में हेलो आप ये सुन रहे हैं सर कोई यार गजब की सुनिए। अभी देखिए यहाँ से कितने लोग फार्मिंग मान के चलो, अगर 40 लाख पब्लिक है यहाँ पे, तो मैं कहता हूँ अगर 5% भी अगर काम हुआ, अगर लोग फार्मिंग किए तो कितने लाख आइडिया आने वाली है सर, थोड़ा सा आप गेस करिए। और जो जो बंदे ठीक है जिनकी मई जून में या जुलाई अगस्त तक लगी, अगर उनके 10-10 राउंड ऑटो पुल कंप्लीट हो गए तो वहां से भी तो रिसाइकल होगा सर, इस हिसाब से फास्ट होगा। और जो अभी सर्कल इनकम में बढ़ रही थी वो भी इनकम डिटेक्ट कर दिया सिस्टम, ठीक है, मतलब लीडरों को नहीं जाने वाला है, वो जो बंदे बैठ के खाने वाले हैं उन्हीं को देने वाला है सर। इसीलिए ऑटो पुल हम समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ऑटो पुल की स्पीड ऐसी होने वाली है कि जो बंदे काम नहीं कर रहे हैं उन्हीं के लिए सिस्टम किया है सर, लीडरों के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर यूजर अगर लीडर बन जाएगा तो फिर तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अनुमान लगाइए और महसूस करिए कि बहुत बड़ी स्पीड आने वाली है सर इसमें, ठीक है सर। तो शायद आप मेरी बात समझ चुके होंगे और आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू दीपक जी सर। काम पे फोकस कीजिए सर, और ऑटोमेटिक आपके पुल बनने वाले हैं, सभी के पुल बनने वाले हैं जी, की बात को इतना लंबा मत खींचिए। कृष्ण मुरारी जी वेलकम सर, वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ सर, सवाल सभी का सर एक ही है और मैं मंच पे अभी अभी जस्ट रिलीज हुआ हूँ सर, और मेरे एचडीएम टीम से सर मुराद अली जी सर और शर्मा जी सर है और सत्यनारायण जी सुमन जी सर और हमारे प्रेम जी पुष्पक है और पप्पूलाल जी हमारी टीम से सर हैं। तो सभी को सर नमस्कार, और सभी का क्वेश्चन एक ही है सर, वो सभी के लिए वही बात बार बार दोहराई जा रही है। तो ये सर पीडीएफ आने के बाद ही सारा मान्य होगा सर। हेलो सर, आप चलिए मुरारी जी थे तो सर ने ठीक बात कही है, थोड़ा वेट कीजिए। तो नेक्स्ट मैं हरी किशोर यादव जी आइए सर। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार जी। हाँ जी सर। सर मेरा कहना ये है कि मैं अभी नई आईडी ली है और मेरा आईडी कल ही की डेट में एक्टिवेट हुआ है सर जी, और तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि मुझे इसके बारे में उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि इसमें इनकम और आगे इसको बढ़ाना कैसे है, तो हमको इसके बारे में जानना है सर। सर आप डेली इस मीटिंग में आइए, जो आपके प्लान है उनसे संपर्क कीजिए सर। आप अब सिस्टम को लेकर आ रहा है अपना, तो आपको फार्मिंग करनी पड़ेगी $30 से, ठीक है सर जी। तो आप फार्मिंग का वो तो आप कोइन भेजने के लिए जो एलिजिबल हो जाओगे, तो आप $100 के कोइन आप खरीद सकते हैं, जो इसका आ रहा है तो ओनली लाइफ कोइन आ रहा ना, तो उसको खरीदने के आप एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद वो स्ट्रेकिंग पे लग जाएगा आपका, तो आप डेली मंच पर आइए सर, आपको सारी जानकारी इस मंच से मिलेगी, ठीक है जी। जी ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे रिक्सो यादव जी। नेक्स्ट मैं दो हैंडाइज और हैं, हिमराज फटीक जी
हेमराज फटीक जी, वेलकम सर, वेलकम। जय तालीम भाई सर। सर आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही। बोलिए सर, बोलिए, माइक ओपन कीजिए अपना। हेमराज जी अपना माइक ओपन कीजिए, आप माइक बंद कर लिया आपने। हेलो, हाँ जी बोलिए सर। तो मेरा एक ही क्वेश्चन था सर, जैसे हम कॉइन परचेज करते हैं तो पहले हम करें और हमारा अपलाइन हमारे बाद में परचेज करे, तो सर हमारी इनकम परचेज अपलाइन को मिलेगी ना सर, या फिर मतलब नहीं मिलेगी सर? मिलेगी जी, मिलेगी। अगर उन्होंने फार्मिंग की होगी तो मिलेगी, अगर नहीं की होगी तो नहीं मिलेगी। अच्छा, पहले करना और बाद में करना, तो मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर करने का? मतलब नहीं सर, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें फार्मिंग अगर उन्हें की हुई है और आपके अपलाइन है वो, और आप पहले के लिए, तो उनको जाएगा क्योंकि वो फार्मिंग कर चुके हैं जैसा मुझे पता है, और आने वाले समय पता चलेगा। और अगर फार्मिंग नहीं की होगी उन्होंने तो उनको नहीं मिलेगा। ठीक है सर? ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट लास्ट है, एक हैंड आइज तपेश दत्ता जी। तपेश दत्ता जी, वेलकम सर, वेलकम। हेलो, हाँ जी सर, वेलकम। दैट ऑलविन लाइफ सर, दैट ऑलविन जी, दैट ऑलविन सर। मैं सभी ग्रेट लीडर से मैं प्रणाम करना चाहूंगा पहले, और मुझे खुशी हुई कि मुझे बहुत दिनों से आज चांस मिला, आज बोलने के लिए मौका दिया मुझे, सो धन्यवाद सर। सर मुझे दो सवाल था। एक तो सर, अभी दिलशाद खान सर ने बोला कि जो क्रिप्टो आने वाला है और टॉलविन वन में बोला कि वो फार्मिंग करना पड़ेगा, और पहले $30 से हम लोगों को फार्मिंग करना पड़ेगा, बाद में $100 से हम लोगों को कॉइन मिलेगा, और उसका जो ROI रोज मिलेगा वो 0.6 से मिलेगा, तो 500 डेज में हम लोगों को मिलता है 300 कॉइन, और 0.2 में जो है उसमें $300 से हम लोगों को करना पड़ेगा, टोकन कॉइन लेना पड़ेगा, उसमें ROI कितना बोला था सर ने, वो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था सर। उसमें आपको 0.75 से वो टोटल 400 डेज में टोटल कितना होता है सर? आपको 3 गुना मिलेगा, 1 गुना आपको दे देगा, जैसे आपको $300 के जितने भी कॉइन आएंगे ना आपको, वो आपको पहले देगा, इस टाइप पे लग जाएंगे, और उसका 2 गुना आपको मिलेगा, यानी कि आपको 400 दिन में मिलेगा सर आपको। ठीक है सर। और दूसरा सवाल एक्चुअली नहीं है, सिस्टम मेरे हिसाब से थोड़ा इम्प्रूव ऐसे भी हो सकता है कि सर जो हम लोग अभी टॉलविन 2 में हम लोग आए हैं सर, तो पहला जो टॉलविन 1.0 में जो ओपल में आते हैं उसका ऑटोपल निकालने के लिए ओपल 2 में जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ऐसे होने से दोनों में फायदा रहेगा सर, इसी हिसाब से करेगा तो लोटू ओपल 2 में जो करेगा $60 से अपग्रेड, उसका ऑटोपल निकालने के लिए फिर से 1.0 में जस्पर करना पड़ेगा, इसी हिसाब से करने से दोनों में स्पीड थोड़ा ज्यादा रहेगा मेरे हिसाब से सर। ठीक है सर, आपकी बात को थोड़ी सा अच्छा होता। ठीक है सर, आपकी बात को हम समझ गए, और हां जी सर, जो सर प्लीज एक सेकंड सुनिए आपकी बात पे, आप और कोई क्वेश्चन है सर? नहीं सर, नहीं सर, ये दोनों सर। ठीक है सर, आपका आपने जो बोला शायद सिस्टम इस बात को सुन ले, तो शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद इस बात को सुन ले तो ये शायद होने वाला है, वो मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद ये सिस्टम करेगा हमारे लिए अच्छा करेगा, हम सिस्टम का साथ देना है, तो सिस्टम हमें आगे चलाना पा रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे दत्ता जी, तो सर ने थोड़ा सी अपनी जानकारी दी, शायद
जो भी आगे होगा वो सिस्टम बताएगा, पीडीएफ आने के बाद पता चलेगा। तो मैं एक अमित सर गाइड कीजिए सर, शेयरिंग ले लीजिए सर।